स्टूडेंट्स, ये आपकी बटर स्कॉच सेमेस्टर फर्स्ट की बुक क्लास टू पेज नंबर 190, चैप्टर नंबर टू नटखट बंदर आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, मैं इस स्टोरी का आप लोगों को सारांश बता देती हूँ। ये नटखट बंदर एक बंदर है, छोटा बंदर, उसका नाम नटखट है। नटखट मीन्स होता क्या है? शरारती। नटखट मीन्स शरारती। ये स्टोरी जो है एक शरारती बंदर पर है। बच्चों, इस पिक्चर को देख के आपको कैसा लग रहा है? जो एक गांव होता है, ये जो गांव में क्या होते हैं बच्चों, हरे भरे पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं। गांव में बिल्डिंग्स कम होती है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं। गांव है, गांव में पेड़ पौधे बहुत हैं। वहां बंदरों की एक टोली आ गई है। टोली मीन्स समूह, बंदरों का एक ग्रुप आ गया है। बहुत सारे बंदर आ गए हैं और वहां पर एक बड़ा सा घर है और वहीं पास रेत डली हुई है और एक कोने में लकड़ी के तख्ते रखे हुए हैं। लकड़ी के तख्ते मीन्स चौड़े चौड़े पटरे रखे हुए हैं, है ना। वहां मजदूर दिन भर लकड़ी का काम करते हैं। जब मजदूर घर चले जाते हैं तो जो बंदरों का समूह है उनके सामानों से खूब खेलता है। उस टोली में एक छोटा बंदर है जिसका नाम है नटखट। वो सच में बहुत ही नटखट है। वो लोगों की नकल करता है, ठीक है। जब बढ़ई आरी चलाता था लकड़ी को काटने के लिए, एक औजार होता है बच्चों, लकड़ी के गुटके को काटने के लिए बढ़ई लोग एक आरी का उपयोग करते हैं। जब वो लकड़ी के गुटके पे आरी को चलाता था बढ़ई, उससे एक आवाज आती थी, चीर ची चीर ची। ये जो आवाज थी वो छोटा बंदर नटखट को बहुत अच्छी लगती थी, है ना। वो दिन भर उस आवाज को सुनता था। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मालूम है बंदर बहुत ही नकलची होते हैं। वो दूसरों की नकल बहुत जल्दी करते हैं। वो नटखट बंदर डेली सुनता था और वो डेली बोलता था, बढ़ई जो आवाज आरी चलाने से आती थी चिरची की, वो नटखट बंदर उसको मुंह से बोलता था, चिरची चिरची, है ना। एक दिन क्या हुआ, बढ़ई लोग चले गए और आरी को उसी गुटके पे लगा हुआ छोड़ दिए, ठीक है। अब वो नटखट बंदर आया और आरी को हिलाने लगा, ठीक है। अब आरी इजली उससे नहीं हिली क्योंकि वो आरी को खींचने में, लकड़ी काटने में बल लगता है ना। नटखट बंदर की माँ जो थी पेड़ पे बैठी देख रही थी, उसने मना किया, बच्चे मत करो, तुम नटखट नकल मत करो, आपको आरी लग जाएगी, आपको चोट आ जाएगी, ठीक है, आपका हाथ दब सकता है उससे। तो वो नटखट बंदर अपने हाथों की तरफ देखा और सोचा, सच में मेरी माँ तो सही कह रही है, मुझे इससे नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो मुझे चोट लग जाएगी। और वो क्या किया, छलांग लगा करके पेड़ पर जाके लटक गया और झूलते हुए पेड़ पर ऐसे झूलते हुए उसी आरी से निकलने वाली आवाज को चिरची चिरची करने लगा। बच्चों, आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको नटखट बंदर की स्टोरी समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम अभ्यास कर लेते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट्स, जो हिंदी की कॉपी है, उस पे क्या करेंगे, चैप्टर नंबर टू डालेंगे नटखट बंदर। सबसे पहले वर्ड नॉलेज लिखेंगे, शब्द ज्ञान, टोली, टोली मीन्स झुंड या समूह, चीरना, चीरना मीन्स काटना, बढ़ई मतलब जो लकड़ी का काम करता है उसको हम बढ़ई कहते हैं, आरी मीन्स लकड़ी काटने का औजार, खंड का मौखिक, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, एक कोने में रखे थे, क्या रखे थे एक कोने में बच्चों, लकड़ी के तख्ते, इसलिए आप इस, मैंने किस पे राइट क्लिक किया है, तख्तों पर, तख्ते में लगी थी, क्या लगी थी बच्चों, तख्ते में आरी लगी हुई थी। बंदर की माँ ने क्या ना करने के लिए मना किया, नकल ना करने के लिए मना किया, ठीक है। प्रश्न नंबर दो, सही उत्तर दीजिए, बंदरों की टोली कहाँ आ गई, बंदरों की टोली कहाँ आ गई,
गांव के बाहर जो हरे भरे पेड़ थे, बंदरों की टोली वहां आ गई। क्वेश्चन नंबर खा, बंदर किन चीजों से खेलते थे? बंदर मजदूरों के रखे हुए सामानों से खेलते थे। नटखट कौन था? छोटा बंदर नटखट था। नटखट को किसकी आवाज अच्छी लगती थी? नटखट को आरी की चिरची चिरची आवाज अच्छी लगती थी। स्टूडेंट्स, आपको कॉपी में सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए ये लिखना है, और ये आंसर क्वेश्चन भी लिखना है आपको। बंदरों की टोली कहाँ गई, इसको भी आपको लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 3 क्या है, सही उच्चारण कीजिए। तख्ते, सामान, नटखट, छलांग, दाल। खंड का लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको मैं बच्चों आपको लिखकर क्लास वर्क में सेंड कर दूंगी, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रिक्त स्थान भरिए। गांव के बाहर हरे भरे क्या थे? पेड़ थे। खा है खाली स्थान, सचमुच ही नटखट था। कौन था नटखट? छोटा बंदर। टर्न योर पेज। गा है एक कोने में लकड़ी के खाली स्थान रखे थे। एक कोने में लकड़ी के तख्ते रखे थे। घा है खाली स्थान पर बैठी, खाली स्थान सब देख रही थी। पेड़ पर बैठी माँ सब देख रही थी। अंगा है खाली स्थान खेलने की चीज नहीं है। आरी खेलने की चीज नहीं है। इस रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी आप कॉपी में खुद से लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। सही उत्तर पर सही का टिक, ये आपका होमवर्क है। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी आपका होमवर्क है, ओके, ठीक है। बच्चों भाषा बोध पढ़िए, समझिए और लिखिए। बंदर ये एक वचन है, सबको बहुवचन बनाना है, ओके। ये काम आप लोगों का है, आप ये होमवर्क है, आप खुद से करेंगे, ठीक है। एक वचन दिया हुआ है, उसका बहुवचन बनाना है। इनके नाम और काम लिखिए, जानिए। कुम्हार क्या करता है बच्चों? कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, ये आप केवल जान लीजिए। मोची, मोची चमड़े का काम करता है। जूते चप्पल कौन बनाता है हमारा? मोची बनाता है ना। दर्जी कपड़े सिलता है। सुनार आभूषण बनाता है। लोहार लोहे के सामान बनाता है। मिस्त्री हमारे घर को मिस्त्री ही बनाता है ना। तो आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। मैं आपको क्लास वर्क लिखकर सेंड कर दूंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप अपना होमवर्क कर मुझे सेंड करेंगे, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।